वेलकम गाइस। सो जस्ट अभी पोकेमोन जर्नी से काफ़ी सारे लीक्स आई हैं, लाइक ऐश के अपकमिंग पोकेमोन्स के बारे में, गो के पोकेमोन्स के बारे में, कोहारू के पोकेमोन्स के बारे में, एंड इसकी भी लीक आई है कि ऐश का लुकारियो कब इवॉल्व होने वाला है। आई नो आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो ऐश एंड गो के पोकेमोन्स के बारे में जानने के लिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओए क्लाव एंट्रो लगा। ओके मेरे पास जैसे कि आपको पता है पोकेमोन जर्नी के लीक्स अक्सर आते रहते हैं, एंड इस बार कुछ ज़्यादा ही खास लीक्स आए हैं जिसमें हमें ऐश के पोकेमोन्स के बारे में भी बताया गया है, लाइक ऐश कौन से पोकेमोन को पकड़ने वाला है फ्यूचर के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वीडियो के अंदर मैं जल्दी बताने वाला हूँ सारे पोकेमोन्स के बारे में। सो गाइस जो पहला लीक आया है वो है कोहारू के पोकेमोन से रिलेटेड। हमारे सामने एक पोस्टर जिसमें हमें ऐश का पिकाचू एंड एक गैलारियन पोनीटा दिखाया गया है, एंड आई गेस सो जो गैलारियन पोनीटा है उसे कोई और नहीं कोहारू कैच करने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोहारू को पोकेमोन में इंटरेस्ट नहीं था, बट हाल फिलहाल के कुछ एपिसोड्स में कोहारू को पोकेमोन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है, एंड कोहारू के लिए पोनीटा से बढ़िया कोई पोकेमोन हो नहीं सकती। सो गाइस कोहारू के एक और पोकेमोन के लीक आई है, दो और पोकेमोन के लीक आई हैं जो हैं शनशन चैरिम एंड ग्लोसी फ्लोअर। आप सब साफ साफ देख सकते हैं इस पोस्टर के अंदर ऐश एंड गो के पोकेमोन्स भी हैं, एंड उनके साथ दो एक्स्ट्रा पोकेमोन हैं, एंड पोकेमोन शॉर्ड एंड शील्ड में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं कोहारू ऐश एंड गो, एंड प्रोबेबली ये दोनों पोकेमोन कोहारू के ही हो सकते हैं। ये फ्लावर पोकेमोन ऐश एंड गो पे तो बढ़िया नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पे ही बढ़िया लगेंगे, एंड पोकेमोन जर्नी में इकलौती मेन गर्ल है एंड वो है कोहारू। सो इसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोहारू को ये पोकेमोन मिलने वाले हैं, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कोहारू कैसी लगती है। मेरी बात करो तो ये मेरी न्यू क्रश बन चुकी है। लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है, समझ जा। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एंड अगेन कोहारू के पोकेमोन से लीक आई है जो कि है सिल्वियन एंड ईवी से, एंड आई एम श्योर कि ऐश सिल्वियन को कैच करने नहीं वाला है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है और ना ही गो करने वाला है। सो अब एक ही ऑप्शन रिमेन है जो है कोहारू, एंड या शायद से ईवी को कोहारू कैच करने वाली है, देन उसे इवॉल्व करेगी वो सिल्वियन के अंदर जस्ट लाइक सरीना। और इसके अलावा हमें एक और पोस्टर में ऐश के पिकाचू के साथ हमें ईवी को दिखाया गया है, शायद से कोहारू को ही ईवी हो या फिर किसी और कैरेक्टर को भी ईवी मिलने वाली है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट या कोहारू को सिल्वियन तो मिलेगी अगर पोस्टर में है तो, या ऑफकोर्स मिलेगी। सो फाइनली अब ऐश एंड गो के पोकेमोन्स की भी लीक आ गई हैं आपके सामने पोस्टर, जिसके अंदर हमें ऐश का पिकाचू, ऐश का गैलारियन फारफेच एंड गो का रबूट दिखाया गया है, एंड यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पोकेमोन्स हैं जो हैं सोवल का एवोल्यूशन ड्रिजोल्ड और गुगी का एवोल्यूशन थ्वाइकी, एंड आई एम श्योर डैट कि थ्वाइकी को ऐश कैच करने वाला है 101% आई एम श्योर अबाउट डैट, क्योंकि इसके पहले भी ऐश एंड गुकी के रिलेटेड काफ़ी सारे लीक्स आई हैं। जस्ट यही नहीं, और भी काफ़ी सारे लीक्स आई हैं कि ऐश गुकी को पकड़ने वाला है, देन उसे थ्वाइकी में इवॉल्व करने वाला है, एंड हमें इस पोस्टर से एक बात कंफर्म हो जाती है कि गो का सोवल इवॉल्व होने वाला है एंड अब क्राई बेबी से बहुत पावरफुल बनने वाला है। एंड या इस पोस्टर से एक और बात कंफर्म होती है कि गो का सोवल गो के रबूट से पहले इवॉल्व होगा, एंड गो के रिगार्डिंग एक और लीक आई है कि गो जल्द ही फ्लाइगॉन को पकड़ने वाला है, एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर डैट क्योंकि मुझे फ्लाइगॉन काफ़ी पसंद है। पोकेमोन जर्नी में सारे करेक्टर की टीम काफ़ी पावरफुल बनाई गई है, चाहे वो ऐश की बात हो, चाहे वो कोहारू की बात हो या गो की बात हो, सबकी फ्यूचर टीम काफ़ी पावरफुल होने वाली है। सो गाइस अभी कहीं जाइएगा मत क्योंकि अभी और भी काफ़ी सारी अमेजिंग लीक्स बाकी हैं, इससे भी अमेजिंग है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पोके क्विज के बारे में। सो गाइस नेक्स्ट पोके क्विज है एपलिन को एपलटन में कैसे इवॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। अगर आपने टॉप 5 बंदों में करेक्ट आंसर दिया तो आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में फीचर किया जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट लीक आई है पोकेमोन एपिसोड से रिगार्डिंग। बहुत ही जल्द पोकेमोन जर्नी के अंदर हॉलोवीन स्पेशल एक एपिसोड बनाया जाएगा, एंड प्रोबेबली इस एपिसोड के अंदर हमें ऐश का गैंगार, पिकाचू, मिमिक्यू या मास्क एंड चैनरूड के अलावा और भी घोस्ट पोकेमोन दिखाए जाएंगे, एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर डैट कि उस एपिसोड में क्या होगा। एंड इस पोस्टर में कोई आम या मास्क नहीं है, वो एक गैलारियन या मास्क है, एंड शायद से इसको गो कैच करेगा क्योंकि गो हर पोकेमोन को देखते हैं तो उसे कैच कर ही लेता है, शायद से इसे भी कर ले, एंड इसके अलावा कैंडलवुड को भी शायद से गो कैच कर सकता है। एंड इसके अलावा पोस्टर के अंदर गोल्ड बैट, लिटविक, फैंटम एंड पंपकब को फीचर किया गया है। सो का जो नेक्स्ट लीक आने वाली है वन ऑफ द बेस्ट लीक्स में से एक है जिसे देख के आप सही में खुश हो जाओगे, एंड वो लीक है ऐश एंड गो के पोकेमोन्स के बारे में। और इस पोस्टर के अंदर हमको गैलारियन के तीनों स्टार्टर के थर्ड एवोल्यूशन कॉर्विनेट एंड गैलारियन सरफेच को दिखाया गया है। क्यों बेटे मन में लड्डू फूटा क्या, एक और फूटा? ओ बेटा
तू भी। और हम सबको बताइए तीनों पोकेमोन एश एंड गो के पास है, मतलब एश को फ्यूचर में मिलने वाला है बट गो के पास तो करंट ही दोनों पोकेमोन से हैं। एंड अच्छी बात तो ये है कि तीनों पोकेमोन अपने थर्ड स्टेज में इवॉल्व होने वाले हैं। मतलब सही में बॉस पोकेमोन जर्नी अपना कमाल दिखाती रही है भाई, कमी नहीं कर रही है, फैन को सरप्राइज करने में लगी हुई है। एंड इसके अलावा पोस्टर के अंदर हमें कॉर्विक नेट दिखाया गया है जिसको आई डोंट नो कौन कैच करने वाला है, एश या गो। बट यहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी थ्योरी लगाई है, अगर गो को फ्लाइगोन मिल जाता है तो कॉर्विनेट को एश कैच करने वाला है, अगर गो को फ्लाइगोन नहीं मिलता है तो कॉर्विनेट को गो कैच करने वाला है। बट एक और पॉसिबिलिटी आती है कि गो दोनों को ही कैच कर सकता है, कॉर्विनेट को भी और फ्लाइगोन को भी। एंड इसके अलावा हमें पोस्टर के अंदर एश का सरफेस दिखाया गया है, यानी कि एश का गैलेरियन फारफेच सरफेस में इवॉल्व हो जाएगा। और अब देखने वाली बात होती है कि एश का गैलेरियन फारफेच सरफेस में कब इवॉल्व होने वाला है, एंड मोमेंट काफ़ी मस्त मोमेंट होगा। और मैं श्योर हूँ कि एश का सरफेस काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन बनेगा क्योंकि अपने पहले स्टेज में ही काफ़ी ज़्यादा जोशीला है, एंड या अभी एश को ट्रेन करेगा तो बहुत पावरफुल बन जाएगा। सो गाइस कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है कॉर्विनेट को कौन पकड़ने वाला है, एश या गो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ गाइस, आई एम एक्साइटेड फॉर योर कमेंट्स। सो गाइस एक और बड़ी लीक आने वाली है जो कि आ रही है पोकेमोन जर्नी के एक डेडिकेटेड एपिसोड से जो कि है वर्ल्ड आई पोकेमोन्स के ऊपर। एंड शायद से इस एपिसोड के अंदर हमको मिस्ट्री देखने को मिल जाएगी क्योंकि वर्ल्ड आई पोकेमोन्स की बात हो एंड मिस्ट्री का नाम ना आए तो पॉसिबल ही नहीं है। सो एक एपिसोड के अंदर मिस्ट्री शायद से आ सकती है, और अगर मिस्ट्री वापस आती नहीं है तो इस पोस्टर से ये बात कन्फर्म हो जाती है कि वर्ल्ड आई पोकेमोन्स के ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड आने वाला है। सो वर्ल्ड आई लवर्स रेडी हो जाओ। सो गाइज एक और लीक आई है जिसके अंदर हमको एक पोस्टर में एश का पिकाचू, एश का लुकारियो, एश का ड्रैगनाइट एंड गो का सिंड्रेस दिखाया गया है, एंड आई डोंट नो इस पोस्टर का क्या मतलब है। इसके अलावा एक और एपिसोड का लीक आया है जिसके अंदर हमको बैकग्राउंड में सनफ्लावर्स, एश, गो एंड कुहारू के पोकेमॉन्स दिखाए गए हैं। और इसके अलावा एक और एपिसोड का हिंट आया है जो कि है क्रिसमस स्पेशल डेडिकेटेड एपिसोड। पोकेमॉन जर्नी इस बार फेस्टिवल पे भी काफ़ी ध्यान दे रही है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे एपिसोड्स भी निकाल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइस वीडियो यहीं खत्म होती है, एंड कमेंट ऑप्शन में बताना कि आपको लीक कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना पोकेमॉन के वीडियोस के लिए। तो अब हम बात करते हैं पॉकी क्विज़ के विनर्स के बारे में। इस बार के पॉकी क्विज़ के विनर्स हैं सामुराई पीडियन, बेबी बंजीरी, एड्रियन स्लैश मैगास, पोकेमॉन का पुजारी पोकोडॉक एक्स। सो गाइस आप पांचों को कांग्रेचुलेशंस के पॉकी क्विज़ के विनर्स हैं। सो हे गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पोकेमॉन Pokemon, let's do it. Banu main zabardast itna, na bana ho koi jitna, jitna. Pakadna unhe meri pariksha, sikhana laksh mera.